खबर सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र से, जहां यूपी के तरकुल्हा में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत हो गई। वो अपने गांव के 3 लोगों के साथ यूपी के तरकुल्हा गया था, जहां अचानक युवक की मौत हो गई है। परिजन गांव के लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के लगड़पुरा ब्रह्म बाबा तुरहा टोली की है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र तुरहा कल अपने कुछ दोस्तों के साथ यूपी के तरकुल्हा घूमने गया था, तभी अचानक उसकी मौत हो गई। अब जब उसका शव आज उसके घर मैरवा थाना क्षेत्र के लंगरपुरा पहुंचा, तो गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। मौत के बाद घर में चीख पुकार मच गई। वहीं परिजन जिनके साथ युवक यूपी घूमने गया था, उन्हीं 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां बड़ी खबर सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र से, जहां यूपी के तरकुल्हा में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत हो गई। वो अपने गांव के 3 लोगों के साथ यूपी के तरकुल्हा गया था, जहां अचानक युवक की मौत हो गई है। परिजन गांव के लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के लगड़पुरा ब्रह्म बाबा तुरहा टोली की है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र तुरहा कल अपने कुछ दोस्तों के साथ यूपी के तरकुल्हा घूमने गया था, तभी अचानक उसकी मौत हो गई। अब जब उसका शव आज उसके घर मैरवा थाना क्षेत्र के लंगरपुरा पहुंचा, तो गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। मौत के बाद घर में चीख पुकार मच गई। वहीं परिजन जिनके साथ युवक यूपी घूमने गया था, उन्हीं 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।